ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। चीन के दुश्मनों की बड़ी भारत के रक्षा उपकरणों में दिलचस्पी। मलेशिया वियतनाम के बाद फिलीपींस को चाहिए भारत के हथियार। आत्मनिर्भर भारत पर निर्भर होते कई देश। मेड इन इंडिया हथियार और उपकरण खरीदेगा फिलीपींस। रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार और आधुनिक उपकरण धूम मचा रहे हैं। यही कारण है कि चीन के दुश्मनों के बीच भारतीय रक्षा हथियारों और उपकरणों की मांग बढ़ती जा रही है। मलेशिया हो, वियतनाम हो या फिर ताइवान, भारत से साथ की उम्मीद कई देशों को है। शायद यही कारण है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी की खरीद के लिए $37.5 करोड़ के सौदे पर मोहर लगाने के कुछ महीने के बाद फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स खरीदने पर विचार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ दशकों से चल रहे क्षेत्र विवादों के साथ साथ अन्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए फिलीपींस अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने के लिए कई उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों पक्ष प्रस्तावित सौदे पर बातचीत भी कर रहे हैं। स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी का ALH हेलीकॉप्टर 5.5 टन भार वर्ग में 2 इंजन वाला बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर है और इसे विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस स्वदेशी रूप से विकसित भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के प्रदर्शन से प्रभावित हुआ है और इसे खरीदने पर विचार कर सकता है, क्योंकि फिलीपींस अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलना चाहता है। बता दें, फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और पिछले कई सालों में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों के लिहाज से दोनों के बीच मजबूती आई है, खासकर समुद्री क्षेत्र में। इससे पहले इस तरह की दिलचस्पी मलेशिया में भी देखने को मिली थी, जो मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तेजस खरीदना चाहता था। इससे पहले फिलीपींस ने जनवरी में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी को लेकर एक सौदा किया था। भारत ने मार्च में फिलीपींस के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार के बीच सौदे शामिल हैं। तेजस विमान पहले ही मलेशिया के लिए शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, क्योंकि देश अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलना चाह रहा था। चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ याक 130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों में दिलचस्पी दिखाई, जो काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।